अली आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइए कि मैं फॉर मी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हमारा गुरबत हमारा मसला नहीं है, हमारा असल मसला हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो जो अनडॉक्यूमेंट इकोनॉमी है, गैर दस्तावेजी मईशत। और शाह साहब ने भी ये बात की कि जनाब हम कैश इकोनॉमी है हमारी सारी, और अगर आप डिजिटल इसके ऊपर जाते हैं तो बहुत सी चीजें आपको फिर वहां पर शो करना पड़ेंगी। ये सबसे बड़ा मसला है दुनिया में। अगर जिन जिन ममालिक की आप मिसाल देते हैं वहां पर जो है वो इकोनॉमी उनकी डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेशन है उनकी इकोनॉमी की। एग्जैक्ट इमरान, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कैश पे चल रही है, लेकिन जो हम ये जो चाह रहे हैं कि नए कारोबार आए, नए, ये सब टेक्नोलॉजी बेस पे आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हम सारे डिजिटाइज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्यों, मतलब हमेशा तो कैश इकोनॉमी नहीं चल सकती, आज चल रही है, 5 साल 10 साल कब तक चलाएंगे सर? 70 साल में तो वही चल रही है ना, मसला सारा ये है सर, आने वाले 70 साल से तो वही चल रही है। 70 साल अब आने वाले हमें क्या करना है, हमें तो वो देखना होगा ना कि आने वाले 70 साल में भी हमें कैश पे ही रहना है या हमें डिजिटाइज करना है, इसको आगे लेके चलना है। तो हम तो डिस्करेज करेंगे इसे, हम डिस्करेज करेंगे इस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को, हम तो चाहेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। तो उसी की वजह से हम जो डिस्करेज करते देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस मुकाम पे पहुंच गया है आज। आज हमारे पास हम सब चीजें अपनी खाने पीने की जो चीजें बेसिक नेसेसिटी वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने किस तरह अपने जो बुनियादी चीजें उस पर हमने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आज हम जिस जहाँ पे खड़े हुए हैं वो आप सब देख रहे हैं। लेकिन इसको हम काउंटर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शाह साहब से मैं एग्री करूंगा। बिल्कुल शाह साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ऐसा कोई फंड बनाए नए स्टार्टअप्स के लिए जिसमें वो स्टार्टअप को और नए जो कारोबार कर रहे हैं उसको प्रमोट करे और इंडस्ट्री आए उनका हाथ पकड़े। इससे न सिर्फ हम इम्पोर्ट को कम कर सकेंगे बल्कि हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकेंगे।